हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली पनीर, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत जल्दी बनने वाली ये ग्रेवी है। और आप रोटी से, पराठे से खा सकते हैं। तो हमारी ये जो है चिल्ली पनीर है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और देखते ही इसे मुंह में पानी आने वाला है। ऐसी रेसिपी है जिसे देखकर किसी का भी मन खाने को करेगा, और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसमें ग्रेवी बनाए हैं। तो देखिए, हमारी ग्रेवी ऐसे ठीक बनी हुई है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। और इसमें हमने क्या-क्या सामान लिया है, घर के सामान से ही हम इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमारी ये चिल्ली पनीर चलिए बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या सामान लगेगा और कैसे बनेगा। तो जो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें पनीर लिया है, जो हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। और इसको हम ऐसे क्यूब में कट कर लेंगे। और ये देखिए, हम इसमें जो सामान डालेंगे, तो हमने इसमें चॉप करके प्याज ले ली है। एक बड़ी प्याज है ये, और आपको जितना प्याज डालना हो डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्याज इसमें नहीं चलती। और इसमें हमने हरी मिर्च का यूज़ किया है, आप लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने एक बड़ी प्याज, एक छोटी प्याज हमने बड़े बड़ी स्लाइस करके कर ली है, और शिमला मिर्च हमने ली है, उसको भी स्लाइस कर लिया है, और अदरक और लहसुन चॉप कर लिया है, और थोड़े से अदरक हमने लंबे लंबे स्लाइस में कर लिए हैं, जो गार्निशिंग के लिए रखे हैं। तो ये हमारी लहसुन, अदरक और प्याज और शिमला मिर्च कट करके हमने रख लिए। तो चलिए अब हमने इसको बड़े बड़े क्यूब में, आप जितना बड़ा बनाना डालना चाहें क्यूब काट सकते हैं। तो ये हम पनीर के मीडियम साइज के टुकड़े कर लेते हैं। और ये देखिए, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और हम थोड़ा सा 1 कप के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे या वाइट पेपर डाल देंगे, और इसको मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ी सी इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, ताकि हमारे जो ये पनीर है उसका कलर फ्राई करने पे बहुत अच्छा आए। तो हमने हाफ चम्मच पनीर हल्दी डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सब पनीर को इससे कोट कर देंगे। अच्छे से कोट कर देना है, और सब कोट करके हम साइड में रख ले रहे हैं, और एक साथ हम फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए, हमारे सब पनीर की क्यूब जो है कोट हो गई। तो चलिए इसको हम फ्राई कर देते हैं। एक तेल हमने चढ़ा दिया है, और उसमें हमने डाल दिया इसको, और दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। एक तरफ पहले साइड से करना है, फिर दूसरे साइड से करना है, और अच्छे से क्रिस्पी जैसा हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है गाइज, ये देखिए ऐसे। और इसको हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम सब अपने पनीर फ्राई कर लेंगे, और इसमें अब हम डालते हैं लहसुन के जो हमने चॉप किया था वो डाल देंगे, और प्याज डाल देंगे जो चॉप की हुई थी बारीक, और मिर्ची हरी वो डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने देना है इसको, ब्राउन नहीं करना है गैस हमको। और हम ये थोड़ी देर बाद, 5 मिनट के बाद, इसको भी हम डाल दिए, बड़ी प्याज और शिमला मिर्च। और अब हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसमें हम अब ये बाहर जो मार्केट में मिलते हैं पनीर चिल्ली का पैकेट, उसको हम 1 कप पानी में घोल लेंगे। गैस आप इसको पानी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, डायरेक्ट नहीं डालना है, नहीं तो ये जम सा जाता है और मिक्स नहीं हो पाता है। इसको हम अलग 1 कप पानी में डाल करके इसको घोल लेंगे। आप चाहें तो ये मैदे से भी बना सकते हैं, मैदा और सॉस डाल करके, लेकिन वो
रेसिपी हम फिर कभी आपको बताएंगे। आज हमने इंस्टेंट इसको बनाया है और इस ग्रेवी को हमने इसमें डाल दिए, पानी को हमने जो घोल करके रखा था, और इसको मिक्स कर देना है। और गैस की फ्लेम को अब हम तेज़ कर देंगे और इसमें बॉयल आने देना है। और इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी जैसा रहेगा तो अच्छे से पक जाना चाहिए। तो इसको हम मिक्स कर दिए रहे हैं। और इसमें हम एक इटालियन सॉस है जो थोड़ा खट्टापन लाएगा और तीखा भी है, ये हम डाल देंगे और इससे हमारा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो लीजिए हमने ये डाल दिया। और हरी मिर्च डाल देते हैं, हमने ये पनीर क्यूब भी, पनीर भी जो फ्राई की थी वो भी डाल दी मसाले में, और अच्छे से पक जा रहा है। और इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, अच्छे से पक जाना चाहिए। तो ये लीजिए हमारा बन के तैयार हो गया चिल्ली, पनीर चिल्ली। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी फटाफट बनने वाली रेसिपी है गैज, आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी टेस्टी डिश ये बनी है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।